अब मैं कहता हूँ दावे से कसम खुदा की, अगर अहले हदीस सुन रहे हो, अगर ये अपने बाप की ओरिजिनल औलाद हो, अगर अपने बाप की, चैलेंज कर रहा हूँ और ये चैलेंज मैं 3 साल से कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ 3 साल क्या 3 सदियां गुजर जाएंगी, कोई माई कला ले हदीस मेरे चैलेंज का जवाब नहीं दे सकता। इसे लफ्जों के तौर पे मत बोल, नहीं बोल रहा हूँ, और ये भी ना सुन ले अहले हदीस सुन ले, ऐसा मजमा है बरेलियों का मजमा है, बोल गए अकेले में बुला लो, कमरे में मुनाजरा करवा लो, 13 मौलवी और मैं और एक वीडियो कैमरा, जो सब कभी झूठ नहीं बोलता, सब सच सच रिकॉर्ड करेंगे। अब चैलेंज सुनेंगे आप? अगर तुम अपने बाप की ओरिजिनल औलाद हो और तुम कहते हो हम हक पर, मैं कहता हूं तुमने अपनी असल को छोड़ा, 1857 से पहले तुम हिंदुस्तान में अपना एक मदरसा दिखा दो, 1857 से पहले अपनी एक मस्जिद दिखा दो, 1857 से पहले अपना कोई एक मौलवी दिखा दो, 1857 से पहले अपनी कोई हदीस की किताब दिखा दो, 1857 से पहले कोई तफसीर की किताब दिखा दो, कसम खुदा की जितने इमाम थे सब सुन्नी थे, सब मुकल्लिद थे। जब इमाम बुखारी का नाम लेते हो, कसम खुदा की इमाम बुखारी भी था तो वो शाफई मजहब का मानने वाला, सब मुकल्लिद थे।